भारत बंद को लेकर पटना के डाक बंगला चौराहे पर दुकानें बंद रही। कुछ दुकान खुले भी तो प्रदर्शन के दौरान दुकानदारों ने शटर गिरा दिया। बिहार में प्रदर्शन का मिला जुला असर दिखा। बिहार में भारत का बंद असर बुधवार को मिला जुला दिखा। हालांकि राजधानी पटना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने डाक बंगला चौराहे पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को रोका गया। पुलिस ने वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया। हालांकि इस दौरान भीड़ में एसडीओ श्रीकांत खांडेकर भी सिपाही के डंडे के शिकार हो गई। भीड़ में सिपाही को पता नहीं चला कि सिविल ड्रेस में एसडीओ श्रीकांत खांडेकर हैं और उसने प्रदर्शनकारी समझकर डंडा चला दिया। डांग बंगला चौराहे पर दुकानें बंद रही। कुछ दुकान खुले भी तो प्रदर्शन के दौरान दुकानदारों ने शटर गिरा दिया। हालांकि पटना के डीएम ने पहले ही निर्देश दिया था कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जोर जबरदस्ती करने वाले, यातायात बाधित करने वालों, लोक व्यवस्था एवं आम जनजीवन को प्रभावित करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन को लेकर राजधानी पटना में कई स्कूलों ने मंगलवार की रात को ही निर्देश जारी करते हुए विद्यालय को बंद कर दिया था। हालांकि राजधानी पटना में कुछ स्कूल बुधवार को खुले रहे, लेकिन प्रदर्शन और भारत बंद को देखते हुए काफी पहले ही छुट्टी कर दी गई। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में SSC आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ दलित संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है। बिहार के मधुबनी, आरा में ट्रेनें रोकी गई। कई जिलों में आगजनी भी की गई है। आज बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की परीक्षा भी है। इसको लेकर भी कई जगहों से खबरें आई हैं कि अभ्यर्थियों को सेंटर तक पहुंचने में परेशानी हुई है।